हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा दशम पाठ नीति नवनीतम, यानी कि हमारी जो नीति है उसे हम कैसे नूतन रीत्या कर सके, यानी कि नई नई तरीके से हमारी जो नीति है वो उसमें कैसे बदलाव ला सके, तो उसके बारे में देखते हैं, सीखते हैं। पहले तो पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ यानी कि यह पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, यानी कि मनुस्मृति से कई सारे श्लोक इस पाठ में लिए गए हैं, जो सदाचार की दृष्टि यानी कि सदाचार यानी कि सद्भावना यानी कि सबके समान, सबके लिए समान आचरण सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ यानी कि इस पाठ में माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त यानी किसके साथ साथ सुख और दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों परांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी यहाँ पर इस पाठ में श्लोक द्वारा किए गए है। हमने आगे देखा ना कि भाई मनुस्मृति में से थोड़े बहुत श्लोक लिए गए हैं, तो उसके बारे में देखते हैं, सीखते हैं। चलो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हमने कई बार सुना है कि भाई एक के दो, दो के चार, तो इस श्लोक में भी ऐसा ही कुछ है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, यानी कि अभिवादनशील प्रणाम करने की आदत वाले, अभिवादनशील हमेशा बड़ों के आगे झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, यानी कि प्रतिदिन सदैव वृद्धो यानी कि बुजुर्गों की सेवा करने वाले, अभिवादनशील यानी कि हमेशा प्रणाम करने की आदत वाले, नित्यं वृद्धोपसेविनः यानी कि हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने वाले, इन व्यक्ति को चत्वारि तस्य वर्धते, ये दो कार्य जो लोग करते हैं उनकी, उनको चार चीजों की प्राप्ति होती। कौन कौन सी? चत्वारि तस्य वर्धन्ते यानी कि चार चीजें उनकी बढ़ती है। क्या? आयुर्विद्या यशोबलम यानी कि आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजों बढ़ती है। किससे? अभिवादनशीलस्य यानी कि हमेशा प्रणाम करने की आदत रखने वाले, और नित्यं वृद्धोपसेविनः यानी कि हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने वाले। दो चीजें आप करोगे तो उसकी फल प्राप्ति में आपकी चार चीजें बढ़ेगी। कौन कौन सी? आयु, विद्या, बल और यश। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको भी ये सब चीजें करनी चाहिए। हमेशा वृद्धों के आगे मीन्स कि अभिवादनशील यानी कि अभिवादनशील ही हमें बनना चाहिए, कि भाई बड़ों के पैर छूने चाहिए, ऐसा सब कुछ, उनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसी सारी पॉजिटिव जो आदतें हैं वो सब हमें रखनी चाहिए। वृद्धों पसे विनय यानी कि वृद्धों की सेवा भी करनी चाहिए। तो ये दो चीज़ों की आप अगर अपनी लाइफ में ये दो चीज़ें करोगे तो आपको भी चार चीज़ों की प्राप्ति होगी। कौन कौन सी? आयुर्विद्या, यश और बल। तो आई होप कि आप भी ये सब करोगे। चलो आगे देखते हैं दूसरा श्लोक। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवेन्द्रुणाम न तस्य निस्पृते सक्या कर्तुवर्ष सतेरपि। यानी कि यम माता पितरो क्लेशम, मनुष्य यानी कि जो बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवेन्द्रुणाम यानी कि बच्चों की उत्पत्ति पालन पोषण इन सब में माता पिता जितने कष्ट को सहते हैं, न तस्य निष्कृति सक्या कर्तुवर्ष सतेरपि, यानी कि उसका बदला चुकाने का यानी कि उसका निराकरण करने में बच्चा अगर 100 वर्षों भी समर्थ नहीं है, जितना कष्ट माता पिता ने आपको आपके पालन पोषण में लगाया, आपको बड़े करने में लगाया, अगर कोई बच्चा 100 वर्ष तक भी प्रयास करेगा फिर भी उसका कष्ट चुका नहीं पाएगा, तो ऐसे ही माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। आगे देखते हैं। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात्
आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते तयोर नित्यम। तयो यानी अगले श्लोक में हमने किसके बारे में जाना, माता और पिता। तयोर यानी कि उन दोनों, यानी कि माता पिता का और कुरियात आचार्यस्य च सर्वदा, और आचार्य को सदा यानी कि प्रतिदिन संतानों के द्वारा प्रिय करना चाहिए। माता पिता और आचार्य, इन तीनों की हमें सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तेष्वैव त्रिषु तुष्टेषु, यानी कि ये तीन लोग अगर हमारे द्वारा तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, तो तपः सर्व समाप्यते। फिर आप जो भी कार्य करोगे, जो भी तप करोगे, तप यानी कि भाई ध्यान में बैठना, वही तप नहीं है। आप कोई भी कार्य करोगे तो वह सार्थक तब होगा जब ये तीन लोग खुश होंगे। कौन तीन लोग? माता पिता और हमारे गुरु यानी कि आचार्य। ये तीन लोग अगर हमसे खुश हो गए तो आप कोई भी कार्य करोगे, सब भी जगह पे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर ये तीन लोग खुश हुए तो आपको भी अपने माता पिता और अपने आचार्य सबको खुश रखना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। सर्व परवसं दुखम सर्व आत्मा वसम सुखम एतद्विधा समासेन लक्षणम सुख दुखयो। देखो इसमें सुख दुख की बात की है। दूसरों के वश में सारा दुख होता है और अपने वश में कुछ सब कुछ सुख होता है। यानी कि भाई सुख की प्राप्ति तो सबको चाहिए, भाई मैं सुखी रहूं। कोई थोड़े भगवान से ऐसी प्रार्थना करेगा कि भाई भगवान, हे भगवान, मुझे आप दुखी कर दो, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो दूसरों के वश में सारा दुख होता है और अपने वश में सब कुछ सुख होता है। इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। देखो शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि चक्रवत परिवर्तानी सुखानी च दुखानी च। जैसे एक पहिया घूमता है, वैसे ही चक्र के समान सुख और दुख घूमते रहते हैं। कभी सुख, अभी सुख है तो थोड़े दिन बाद दुख आएगा, अभी दुख है तो थोड़े दिन बाद सुख आएगा। तो उसी तरह से दूसरों के वश में सारा दुख और अपने वश में सारा सुख हो, ऐसे सुख दुख के सारे लक्षण है। यत कुर्वतोस्य स्याद् परितोषोऽन्तरात्मनः, यत कर्म कुर्वतोस्य स्याद् परितोषोऽन्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वेत विपरीतं तु वर्जयेत्। जिस काम को करते हुए अपनी आत्मा को संतोष हो। देखो बच्चों, ये आपकी लाइफ में इम्प्रूव करने जैसा है, यानी कि उतारने जैसा है। जिस यत कर्म कुर्वतोस्य स्याद् परितोषोऽन्तरात्मनः, अगर आप अपने अंतरात्मा को संतोष करते हो, जिस काम से आपकी अंतरात्मा यानी कि आप खुद, आपकी आत्मा सुखी हो यानी कि खुश हो, उस काम को तत् प्रयत्नेन कुर्वेत विपरीतं तु वर्जयेत्। यानी कि उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, यानी कि कितनी भी मुश्किल हो लेकिन जिस काम से आपकी आत्मा खुश होती हो वो काम आपको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उससे विपरीत यानी कि उल्टा सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो जिस काम से आपकी आत्मा खुश हो कि भाई ये तो हमें करना ही है, तो वो काम आपको अवश्य ही करना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचा मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यानी कि आंख से पवित्र करके, यानी कि अच्छी तरह से देखभाल करके, नीचे देख के ही हमें पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, यानी कि कपड़े से छान कर यानी कि शुद्ध करके हमें जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेद वाच, यानी कि सत्य से पवित्र करके, यानी कि सत्य से युक्त करके ही हमें वाणी, यानी कि हमें, हम जो कुछ बोलते हैं वो हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य से युक्त यानी कि सत्य से पवित्र करके सत्य युक्त वाणी बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरित, यानी कि मन से पवित्र करके, यानी कि एक बार नहीं लेकिन हजार बार सोच विचार कर ही हमें आचरण और व्यवहार करना चाहिए। तो ये चार चीज है। दृष्टिपूतम न्यसेत पातम, आंख से पवित्र करके यानी कि अच्छी तरह से देखभाल करके, देख के ही आपको पांव पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जो जल पीते उसे कपड़े को छानकर, कपड़े से छानकर शुद्ध करके पानी पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेद वाच, जो आप वाणी बोलते हो, जो बोलते हो थोड़ा बोलो लेकिन सत्य बोलो, सत्य युक्त वाणी होनी चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और मन को पवित्र करके ही आचरण और व्यवहार करना चाहिए। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि
कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी जो सुक्ति है, श्लोक है, मनुस्मृति में से ली गई है, जिसकी वजह से आप भी अपने जीवन में कुछ कर सको। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद है।